It's finally happening. After almost 6 years, finally back in the dive shop. Let's do this. Krabi में डाइविंग के लिए मैंने Contiki स्कूबा डाइव शॉप चुना. गूगल पे और ट्रिप एडवाइजर पे इसके ढेर सारे पॉजिटिव रिव्यूज थे. दैट्स हाउ आई चोज इट. वॉज रियली ग्लैड सुबह के इस धूप के लिए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी Krabi में. लोकल मार्केट में फ्रूट्स के लिए एक क्विक पिट स्टॉप करके हम शहर से एक और डाइवर को सुबह पिकअप करने निकले. लगभग 7 बजे डाइविंग ट्रिप शुरू हो जाती है. आओ नमाओ पियर जाकर रिक्शा से उतर के हम एक लॉन्ग बोट में बैठे और फिर लॉन्ग बोट से हम हमारी बड़ी डाइविंग बोट में शिफ्ट होने वाले थे. ये लॉन्ग बोट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं. ढेर सारा शोर और थोड़ा पोल्यूशन तो मचाती हैं, लेकिन आसपास में जब आपको आइलैंड हॉपिंग करनी होती है Krabi के नज़दीक, तो इन लॉन्ग बोट्स में जाके आप बैठ के जाते हैं. नीले नीले समंदर का नज़ारा, खुली हवा और सुबह की धूप, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. हमारे डाइविंग बोट पे आने के बाद तैयारी, कॉफ़ी, और चूंकि 5-6 साल बाद मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा था, तो केविन जो मेरे स्कूबा डाइविंग कोच हैं Contiki स्कूबा डाइव शॉप से, ये मुझे रिफ्रेशर ट्रेनिंग दे रहे थे स्किल्स की और इक्विपमेंट असेंबली की. इट्स क्वाइट अ टेक्निकल एडवेंचर एक्टिविटी स्कूबा डाइविंग, और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है. First dive done, and oh my lordy, 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 lord! I think the biggest compliment came मेरे dive trainer से, जहाँ उन्होंने कहा कि ऐसे लग नहीं रहा है कि 5 साल में मैंने dive नहीं किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा था मेरे हाव भाव से कि मैं इस पूरे हफ्ते dive कर रहा हूँ. I think it's muscle memory, जो आप एक बार सीख लेते हैं तो फिर निकलता नहीं है. And the water is just so calming, man. ऐसे लगता है कि आप वाकई में ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं. बहुत ही गजब मरीन लाइफ दिखी, गजब के रीफ हैं, गजब के फिश दिखे हमें, ढेर सारे रेज, ढेर सारे बड़े बड़े पफर फिश. एंड एवरी डाइव इज जस्ट उफ. दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ द 3 dives जो आज हम करने वाले हैं. ये मेरा रिफ्रेशर डाइव था जिसमें स्किल्स की रीट्रेनिंग की हमने, और अब थोड़ा सा खाएंगे, डीकम्प्रेस होंगे और फिर दोबारा डाइव करेंगे. Earn the coffee. It's good for skills. You have to keep doing a course. Thank you. Saw a black tip shark. A bamboo shark. It's a bamboo shark. It's always fun to come back and then compare notes of what you saw. What you saw. एक स्कूबा डाइव सेशन की ड्यूरेशन लगभग 1 घंटे तक की होती है, और 1 घंटे अंडर वाटर और सिलेंडर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर जब आप इनहेल करते हैं, तो आपको ऊपर लगभग 1.5-2 घंटे के लिए डीकम्प्रेस करना पड़ता है. तब वक्त मिलता है गप मारने का, एक दूसरे से बात करने का, एंड ऑफ कोर्स डाइव साइट के बारे में और जानकारी पता करने का. ये कोयावासाम मेरी पहली डाइव साइट थी, जो एक बहुत ही खूबसूरत डाइव साइट है, लगभग 20 मीटर के डेप्थ वाली. एंड यहाँ पे ढेर सारे डाइव बोट्स आते हैं. हालांकि कोफीफी या कोताओ के मुकाबले ये मुझे बहुत ही कम पॉपुलेटेड लगा. वक्त हो गया था दूसरे डाइव का, जिसके लिए हम थोड़े और डिस्टेंस दूर गए, को माई उराई.
ये इस डाइव साइट का नाम था, जहाँ पे ढेर सारे खूबसूरत मरीन लाइफ और फिश देखने का दोबारा मौका मिलने वाला था। रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बाद इस वाले में मैं पीक बॉयंसी की जो स्किल्स है इसे सीखने वाला था, जिससे तैर सकता हूँ मैं न्यूट्रल बॉयंसी मेंटेन करके। एंड दैट इज़ वन ऑफ द टॉप स्किल्स जब आप स्कूबा डाइविंग करते हैं। किसी भी डाइव के पहले आपका डाइव ट्रेनर आपका एक थरो टेक्निकल चेक करता है आपके तमाम इक्विपमेंट का, तमाम कनेक्शंस का, और इन टर्न आप भी अपने डाइव ट्रेनर की इक्विपमेंट चेक करते हैं। आपका जो प्रेशर होता है सिलेंडर का 200 PSI, उसे चेक करना है। आपके जो ब्रीदिंग रेगुलेटर्स हैं BCD बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस, उन्हें चेक करना है। यू वॉन्ट टू मेक श्योर कहीं भी कोई लीकेज नहीं है। ये सारा का सारा इक्विपमेंट ऑफकोर्स आपको रेंट पे मिल जाता है आपके डाइव शॉप से। अगर आप रेगुलर स्कूबा डाइवर हैं, जैसे कि हमारे ग्रुप में फ्रेड थे जो पिछले 15-20 सालों से डाइव कर रहे हैं, 400 डाइव्स कर चुके हैं, तो फिर आप अपना इक्विपमेंट भी खरीद सकते हैं इवेंचुअली इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन सेट। हाउ इज दिस फॉर अ लंच स्पॉट? Side lunch. I feel like the first time I had a lot of fish compared to this one. डिकम्प्रेस करने का। जब आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर से ब्रीथ करते हैं तो आपके शरीर को उससे डिकम्प्रेस करने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है। इसीलिए बैक टू बैक डाइव्स करना मुनासिब नहीं होता। हर दो डाइव्स के बीच में आपको लगभग एक घंटे की अवधि देनी पड़ती है। को माई उराई एक बहुत ही बेहतरीन डाइव साइट थी। यहाँ पर ढेर सारे फिश देखने मिले, बहुत सारे पफर फिश, बहुत सारे नूडी ब्रांचेस, ढेर सारे एनिमनीज, ढेर सारे नीमो फिश, फाइंडिंग नीमो वाले, बेहतरीन रीफ। और थाईलैंड की यही खासियत और ख़ूबी है कि जहाँ जहाँ खूबसूरत रीफ होते हैं उसे सरकार मरीन नेशनल पार्क के तौर पे प्रिजर्वेशन के लिए उसे मार्क कर देती है, जहाँ कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम रिक्रिएशनल स्कूबा डाइविंग अलाउड नहीं होती, जिससे उस जगह का कॉन्जर्वेशन बना रहता है। मेरे दिन की तीसरी और आखिरी डाइव काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी, जिसमें मुझे नेविगेशन स्किल्स सीखने थे। There is a shipwreck. There is a shipwreck outside Yawasan, like 300 meters, 400 meters from Yawasan. But it's very difficult, especially with this visibility, to find it. मुझे आपका पता नहीं, लेकिन ऑन लैंड भी मुझे अगर कोई मैप हाथ में थमा दे तो मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कोई इल्म नहीं है। आई एम डायरेक्शनली चैलेंज्ड, जैसे मैं कहता हूँ। तो अंडर वाटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझना, हाथ में रिस्ट वॉच की तरह आपको एक कंपस दिया जाता है जिसमें आपको डायरेक्शन समझने हैं और फिर आपको तैरना है उस पर्टिकुलर दिशा में वाइल यू आर ब्रीदिंग अंडर वाटर, वाइल मेंटेनिंग न्यूट्रल बॉयंसी। ये काफ़ी हो सकता है, इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग। आपके ब्रेन को ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा करनी होती हैं,
बट फॉर्चुनेटली इसीलिए आपके साथ एक डाइव बड़ी होता है, एक अच्छा ट्रेनर जैसे कि मेरे साथ केविन है जो तेनेरीफे स्पेन से है, एक अच्छा ट्रेनर आपको ये बेसिक समझाता है एंड ऑफ कोर्स आपका साथ देता है हर पल आपके स्कूबा डाइविंग के एडवेंचर और एक्सपीरियंस के लिए। स्कूबा डाइविंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी हैजार्डस अगर आप ठीक से सावधानी नहीं बरते एक्टिविटी हो सकती है। Last dive of the day, which is navigation skills. Gonna dive with a compass for the first time and maths ki pariksha hone wali hai. Let's see. मैं जितना नर्वस था नेविगेशन स्किल्स को लेके उसके मुकाबले तो मुझे लगता है ठीक ठाक ही डाइव हुई। फ्रेड 81 साल के हैं और पिछले 17-18 सालों से डाइविंग कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा डाइव्स वो कर चुके हैं और जो पूरा का पूरा क्रू था, स्टाफ था, इन्होंने अनगिनत सैकड़ों हज़ारों की तादाद में स्कूबा डाइव्स किए हैं। ये वाकई में एक लाइफ लॉन्ग पैशन, हॉबी, लाइफस्टाइल बन जाती है एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई। नेचर के नज़दीक समंदर में खूबसूरत जगहों पर स्कूबा डाइविंग करना एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। बहुत ज़्यादा जैसे ध्यान में आपको सिर्फ श्वास और आपके प्राण पे ध्यान देना होता है, उसी कदर आपको सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान देना होता है स्कूबा डाइविंग के वक्त। एंड ऑफ कोर्स द आइसिंग ऑन द केक इज कि आप अलर्ट और अवेयर रहते हैं अलग अलग वैरायटी के फिश, मरीन लाइफ और फ्लोरा एंड फौना को देखने के लिए। थाईलैंड में ये रॉक फॉर्मेशंस और हरा नीला समंदर एक बहुत ही फिनोमिनल कॉम्बिनेशन देता है एंड बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। ये अच्छी बात होती है कि भीड़ भाड़ का इलाका बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इत्मीनान से सोक इन कर सकते हैं ऐसी जगहों को और आपके स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस को। व्हाट एन एब्सोल्युटली लवली डे with Kevin, Fred and Jesus, the other trainer from Contiki Scuba Dive Shop. I feel so lucky and so fortunate ki aise experiences ka lutf utha sakta hoon, Thailand aa sakta hoon, scuba diving kar sakta hoon. There's so much to be grateful for. What a beautiful day.